फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए ना। मुझे सुस्ती सी लग रही है, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। कई बार होता है ना, और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा वाला हो गया। और देखिए, पीछे कपड़े भी इस्त्री के जमा हो गए हैं, वो भी करने हैं, बहुत सारा काम करना है, लेकिन आज बस नींद आ रही है मुझे। अभी मनी प्लांट को धो दिया है और थोड़ा बड़ा था ना, उसे मैंने अभी काट के उसे इस तरीके से अरेंज किया है। अभी ये अच्छे से गुच्छे में दिख रहा है, और पानी भी मैंने उसका बदली कर दिया है। तो अभी ये छोटू सा हो गया है, लेकिन पूरा भरा भरा सा दिख रहा है। देखिए, कल मैं डीमार्ट गई थी तो बच्चों के लिए ये 5-स्टार ओरियो वाली चॉकलेट लेके आई थी, जो खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है। और अभी उनको मैं फ्रूट में ये वाले फ्रूट खिलाती हूँ। ये है ना, खजूर है, पीली लाल वाली, एक पीली वाली भी आती है और एक लाल वाली भी आती है। तो इस बार पहले हम पीली लाए थे, अभी इस बार हम लाल लाए हैं। ये खजूर भी खाने में है ना बहुत हेल्दी होती है। सब्जी बना रही हूँ आलू के साथ। यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, उसमें राई और जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दूंगी और उसके बाद ये पत्ता गोभी को डाल दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी डिस्कशन चालू है कि बर्थडे गिफ्ट और रक्षाबंधन दो आ रहे हैं। बर्थडे बेटे का है 14 अगस्त को, और 22 अगस्त को है रक्षाबंधन। तो दोनों आस पास ही है, कौन किसको क्या गिफ्ट दे उसका अभी डिस्कशन चालू है। ये खुलासा होगा रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन के गिफ्ट का, और बर्थडे वाले दिन बर्थडे की गिफ्ट का। अभी बेटी ने अपनी गिफ्ट जो जो लेनी थी वो सारी बता दी है। उसमें से उसकी एक फेवरेट गिफ्ट है जो बेटे को उसे देनी है रक्षाबंधन के दिन। और दो गिफ्ट बेटी के पास जाएगी, एक गिफ्ट बेटे के तरफ से और दूसरी गिफ्ट जाएगी जो गणेशा को राखी बांधती है। तो दो गिफ्ट बेटा देगा। तो अभी बारी है बेटे की, अभी उसे 3-4 गिफ्ट बोलनी है, उसमें से एक गिफ्ट सिलेक्ट करेगी बेटी और वो गिफ्ट उसको जाएगी बर्थडे के दिन। और अभी बर्थडे एकदम नज़दीक आ रहा है, दिन बहुत कम है, और बेटी एकदम टेंशन में है कि मैं गिफ्ट कैसे मैनेज करूं, क्योंकि बाहर चल रहा है लॉकडाउन और लॉकडाउन में कोई सामान अच्छे से नहीं मिल रहा है, और ऑनलाइन मंगाते हैं तो फिर भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए अभी ये लड़ाई कब खत्म होती है वो पता नहीं है, लेकिन बर्थडे वाले दिन बेटी क्या गिफ्ट देती है बेटे को वो अभी देखना रहेगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, बेटा अपने तरफ से क्या क्या उसे चाहिए बोलना शुरू करेगा। गिफ्ट का नाम बोल दिया है बेटे ने, तो अभी बेटी लिख रही है, उसमें से उसे जो ठीक लगेगा वो उसे लाके देगी। अभी फाइनली गिफ्ट लिखने में आ रही है, और यहाँ पर सब्जी डन है। तो चलिए अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फ्रेंड, बजट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसने महंगी गिफ्ट दी, इसने महंगी गिफ्ट दी, किसने किसको कितनी महंगी गिफ्ट दी उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि बजट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो अभी इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। मैं अभी मसालेदानी को धो देती हूँ, क्योंकि खराब हो गई है अंदर से, और जो जो मसाले हैं ना उसे अभी मैं एक अलग कटोरी में ले लेती हूँ, और उसके बाद ही सबको एकदम ही
भयंकर वाली बारिश हो गई थी और अभी एकदम से ही 5 मिनट की ही बारिश थी और अभी बारिश एकदम से ही बंद हो गई। कोई बोलेगा नहीं कि इतनी ज़ोरदार बारिश, मतलब ख़तरनाक वाली बारिश हुई। हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। 5:20 हो गई है शाम की और मैं उठ गई हूँ। उठे तो वैसे मुझे टाइम हो गया है थोड़ा सा, और अभी मैं 2 खजूर खा लूँगी, जो फिर थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद रात के खाने की तैयारी कर लूँगी। आज रात के खाने में है ना, मैं आलू परवल की सब्जी, परवल की रसे वाली सब्जी तैयार हो गई है हमारी। खिचड़ी तैयार है और साथ में स्वीट डिश में मोहन थाल है। यहाँ पे भाखरी बना रही है और फिर हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।